हाय दोस्तों, नमस्कार। अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट। हम रिवेट को कितने टाइप से हम ज्वाइंट कर सकते हैं। जब दो या दो से अधिक प्लेटों को ज्वाइंट करना होता है तो हम यहाँ रिवेट पे दो मेथड यूज करते हैं, एक है लैप ज्वाइंट और दूसरा है बट ज्वाइंट। यानी दो टाइप का ज्वाइंट होता है यहाँ रिवेटेड। जो ज्वाइंट होता है दो टाइप से होता है, एक है लैप ज्वाइंट और दूसरा है बट ज्वाइंट। देखिए, इनके नाम से इनके डेफिनेशन का पता चलता है। लैप का मतलब होता है ओवरलैप करना यानी चढ़ाना, और बट ज्वाइंट का मतलब होता है उसे सटाना, सटा कर रखना। तो लैप ज्वाइंट क्या होता है? The joint in which two members are connected by overlapping each other. The joint in which two members are connected by overlapping each other is known as lap joint. इस method में क्या करते हैं, दो या दो से अधिक members को एक दूसरे के ऊपर रख करके overlapping, एक दूसरे के ऊपर रख करके joint किया जाता है, उसे बोलते हैं lap joint. किस प्रकार से, मैं आपको एक समझाता हूं। मान लीजिए एक प्लेट आपका ये हो गया और दूसरा प्लेट ये हो गया। इन दोनों प्लेटों को आपको लैप ज्वाइंट से कनेक्ट करना है। तो क्या काम करेंगे हम, एक प्लेट ये हो गया, दूसरा प्लेट ये हो गया, एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट को हम रख देंगे। इस प्रकार रख दिया मैंने, और अब यहां पे क्या करेंगे, रिवेट लगा देंगे। ये जो लेंथ है वो डिपेंड करता है, ओवरलैप जो लेंथ है वो डिपेंड करेगा कि यहां पर टेंसाइल फोर्स कितना लगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम ओवरलैप की लेंथ कम या ज्यादा कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा फोर्स पे और प्लेट के लेंथ पे भी डिपेंड करेगा, वो दोनों पे डिपेंड करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, लैप ज्वाइंट। तो आपको अगर इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो कैसा फिगर में दिखेगा, फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो ये प्लेट का थिकनेस दिखेगा और दूसरे प्लेट का थिकनेस दिखेगा और यहाँ पे जो रिवेट लगा होगा वो आपको दिखेगा। ठीक है, ये हो गया आपका लैप ज्वाइंट। तो चलिए लैप ज्वाइंट के बारे में हम पहले फिगर बना लेते हैं। और इसका प्लान में कैसे दिखेगा, देखिए इस प्रकार से दिखेगा। तो इसका फिगर बनाते हैं, चलिए। यह लैप ज्वाइंट आपका, एक प्लेट ये हो गया, और दूसरा प्लेट इसके नीचे है या ऊपर होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों प्लेट को अब इधर देखिए फोर्स लगा हुआ है और इधर भी फोर्स लगा हुआ है, तो इन दोनों प्लेट को क्या करेंगे, रिवेट से हम कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए इसके पीछे कितना नंबर ऑफ रिवेट लगा है उससे हमें मतलब नहीं है। यह है आपका प्लेट है। यहां पर देखिए सामने से केवल आपको एक ही रिवेट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब एक लाइन में एक ही लेंथ का रिवेट यूज किया गया है। ये मत सोचिए कि यहाँ पे केवल नंबर ऑफ रिवेट एक है, नंबर ऑफ रिवेट तो बहुत सारे हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि प्लेट का ब्रिथ कितना है। तो यहाँ पर जैसे एक रिवेट यहाँ लगा हुआ है, उसी के लाइन में एक दो तीन चार पाँच कितने भी रिवेट हो सकते हैं, लेकिन रिवेट लाइन एक ही है, क्योंकि एक ही लाइन पे जितने भी रिवेट होगा वो उसमें केवल एक ही रिवेट आपको फ्रंट व्यू में दिखेगा। तो पीछे नंबर ऑफ रिवेट कितना है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि उसका ब्रेथ कितना है, ब्रिथ पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आपको फ्रंट व्यू में केवल एक ही रिवेट दिखाई देता है तो आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पर जो रिवेट लाइन है वो केवल एक ही यूज किया गया है, क्योंकि आगे प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ ये
इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है। फिर ये सब चीज़ें देखना होता है वहाँ पर। इसका अगर हम प्लान बनाए तो कैसे बनेगा, देखिए। ये वाला प्लेट आपको कुछ इस प्रकार दिखेगा, लंबाई देखिए कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, और ब्रिथ भी कुछ भी हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है। दूसरा प्लेट आपका ये है, इधर फोर्स लगा हुआ है दोनों साइड में, ठीक है। और इस ये है रिवेट लाइन, इस रिवेट लाइन पे लगा हुआ है रिवेट। तो नंबर ऑफ रिवेट कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रंट व्यू में आपको एक ही रिवेट दिखेगा। तो ये है लैप ज्वाइंट, यह सिंगल लाइन में ही रिवेट लगाया गया है, इसलिए इस प्रकार के रिवेटिंग को बोलेंगे सिंगल लैप ज्वाइंट। क्या बोलेंगे इसे, सिंगल लैप ज्वाइंट है ये। यह है सिंगल लैप ज्वाइंट। ऐसे ही बट ज्वाइंट को देखिए, द ज्वाइंट इन विच टू मेंबर्स आर कनेक्टेड बट अगेंस्ट ईच अदर बाय प्रोवाइडिंग अ कवर प्लेट ऑन वन और बोथ साइड्स ऑफ द ज्वाइंट नोन एज बट ज्वाइंट। इस मेथड में क्या करते हैं कि दो मेंबर को, दो प्लेट को एक दूसरे से सटा करके ज्वाइंट किया जाता है। एक दूसरे से सटा करके हम क्या करते हैं, ज्वाइंट। लेकिन यहाँ पर हमें एक कवर प्लेट, बाय प्रोवाइडिंग अ कवर प्लेट ऑन वन और बोथ साइड, या तो यहाँ पर एक साइड में कवर प्लेट हमें प्रोवाइड करना होगा, और या तो दोनों साइड में हमें कवर प्लेट यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। देखिए, एक प्लेट ये हो गया और दूसरा प्लेट ये हो गया। इसमें बट ज्वाइंट में क्या करते हैं कि इन दोनों को सटा दिया जाता है, ऐसे सटा करके ज्वाइंट करते हैं। अगर एक दूसरे के ऊपर लैप करेंगे तो लैप ज्वाइंट हो गया, और सटाएंगे तो बट ज्वाइंट हो गया। लेकिन जब बट ज्वाइंट, जब हम दोनों को सटा देंगे तो फिर रिवेट कहाँ पे लगाएंगे, रिवेट लगाने का जगह तो बचा ही नहीं है। इधर लगाएंगे रिवेट तो ये प्लेट अलग हो जाएगा, इस पे लगाएंगे तो ये रिवेट अलग हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, ये तो हो गया मेन प्लेट, एक कवर प्लेट अलग से प्रोवाइड करते हैं। वो कवर प्लेट क्या करेंगे, इसके ज्वाइंट के ऊपर लगाएंगे इस प्रकार से। ये हो गया कवर प्लेट, इसके ऊपर लगा देंगे। तो ये हो गया वन साइड कवर प्लेट, और या तो इसके नीचे भी कवर प्लेट लगाएंगे तो बोथ साइड कवर प्लेट हो गया। तो वैसे ज़्यादातर आजकल हम लोग जो है बोथ साइड कवर प्लेट यूज करते हैं, जहाँ पे जॉइंट होता है ऊपर भी कवर प्लेट लगा देंगे और नीचे भी कवर प्लेट लगा देंगे। देखिए कैसे, फिगर में देखिए, एक तो ये मेन प्लेट हो गया और दूसरा मेन प्लेट ये हो गया। ये दोनों मेन प्लेट है, यहां लिख दे रहा हूं मेन प्लेट, जिसे हमें ज्वाइंट करना है, कनेक्ट करना है मेन प्लेट। अब इसमें मेन प्लेट के अलावा कवर प्लेट यूज करते हैं। कवर प्लेट कैसे, इसके ऊपर हम एक प्लेट अलग से यूज करेंगे इस प्रकार से। तो ये हो गया वन साइड कवर प्लेट, लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं, दोनों साइड में कवर प्लेट यूज करते हैं, ठीक है। अब जब ऊपर भी कवर प्लेट लगा देंगे, नीचे भी कवर प्लेट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक रिवेट हमें इसके ज्वाइंट से इधर देना होगा और एक रिवेट इस ज्वाइंट के इधर देना होगा, यानी यहां पे दो लाइन हमें देना होता है रिवेट का।
ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए दो रिवेट लाइन यूज किया गया है, लेकिन इस दो रिवेट लाइन को हम सिंगल बट ज्वाइंट के रूप में बोलते हैं। इसे हम ये नहीं बोलेंगे कि डबल बट ज्वाइंट है, नहीं, इसमें दो रिवेट लाइन को हम एक में कंसीडर करते हैं। तो ये कौन सा ज्वाइंट हो गया आपका, इसे बोलेंगे सिंगल बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट में कभी भी एक रिवेट लाइन तो हो ही नहीं सकता है, दो रिवेट लाइन होगा। अगर केवल एक रिवेट लाइन लगाएंगे, दूसरा रिवेट नहीं लगाएंगे, तो वो प्लेट जो है दूसरा वाला मेन प्लेट फ्री हो जाएगा और वो ज्वाइंट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे दो रिवेट लाइन को एक रिवेट लाइन में कंसीडर करते हैं, तो इसे हम बोलेंगे सिंगल बट ज्वाइंट। ठीक है, इसके ज्वाइंट के एक तरफ देखिए कितने रिवेट लाइन है, केवल एक रिवेट लाइन है, तो ये हो गया आपका सिंगल बट ज्वाइंट। इसका प्लान देखिए कैसे दिखेगा। प्लान का अगर आप फिगर बनाएंगे तो ये जो है ये हो गया मेन प्लेट, ये हो गया दूसरा मेन प्लेट, इसके ऊपर कवर प्लेट लगा दिया गया है, एक कवर प्लेट ये हो गया, दूसरा कवर प्लेट इसी के ऊपर है, एक रिवेट लाइन और ये है दूसरा रिवेट लाइन। नंबर ऑफ रिवेट डिपेंड करेगा कि उसका प्लेट का ब्रिथ कितना है, एक रिवेट लाइन पे कितने नंबर ऑफ रिवेट यूज करते हैं वो डिपेंड करेगा ब्रिथ ऑफ प्लेट पे कितना है, और नंबर ऑफ रिवेट लाइन डिपेंड करता है कि वहां पर फोर्स कितना लगा हुआ है। देखिए अगर ये ब्रिथ ज्यादा होगा तो उसी रिवेट लाइन पे नंबर ऑफ रिवेट बढ़ा देंगे, अगर ये फोर्स ज्यादा लगेगा तो जो रिवेट लाइन हमने एक यूज किया है यहाँ पर एक से अधिक रिवेट लाइन भी यूज किया जा सकता है, दो तीन चार पाँच छः, वो डिपेंड करेगा कि कितना यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है। तो ये हो गया आपका सिंगल लैप ज्वाइंट और सिंगल बट ज्वाइंट। अगर हम बात करें डबल लैप ज्वाइंट और डबल बट ज्वाइंट का तो ये कैसा हो जाएगा, देखिए ये था सिंगल लैप ज्वाइंट, बात करते हैं डबल लैप ज्वाइंट, बिल्कुल उसी तरह है। यहां पर क्या है कि दो रिवेट लाइन यूज किया जाएगा, तो एक प्लेट ये हो गया और ये दूसरा प्लेट हो गया, एक रिवेट लाइन ये हो गया और दूसरा रिवेट लाइन ये हो गया। इसे बोलते हैं डबल लैप ज्वाइंट। अगर इसका प्लान में देखा जाए तो कैसे दिखेगा आपको, ये हो गया मेन प्लेट और ये हो गया दूसरा वाला मेन प्लेट, एक रिवेट लाइन यहां पर है, एक रिवेट लाइन यहां पर है। ठीक है, तो ये हो गया डबल लैप ज्वाइंट। इसी प्रकार डबल बट ज्वाइंट भी होता है,
इसी में दो दो रिवेट लाइन बना दीजिए तो डबल बट ज्वाइंट हो जाएगा। डबल बट ज्वाइंट ये हो गया मेन प्लेट, ये हो गया दूसरा मेन प्लेट, ये हो गया कवर प्लेट और नीचे भी हो गया कवर प्लेट। एक रिवेट यहां पे लगा दिए और दूसरा रिवेट, यानी जहां पे ज्वाइंट है उसके वन साइड एक तरफ दो रिवेट होना चाहिए और इधर भी दो होना चाहिए। हो गया डबल बट ज्वाइंट। इसी प्रकार आप जो है इसका प्लान भी बना लेंगे। ये हो गया कवर प्लेट, एक रिवेट लाइन ये हो गया इसका, एक रिवेट लाइन इधर है, यहां भी दो रिवेट लाइन है। तो ये हो गया डबल बट ज्वाइंट। डबल बट ज्वाइंट में देखिए जहां कनेक्शन है ज्वाइंट है उस ज्वाइंट के एक तरफ दो होना चाहिए। इसको इसको आप ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे फोर लाइन यूज किया गया है, फोर रिवेट लाइन नहीं है, यहाँ पे टू रिवेट लाइन है। ठीक है, तो ये रहा आपका टाइप्स ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इससे संबंधित कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं उनको समझेंगे, उसके बाद हम लोग उसके उसका प्रॉब्लम लगाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके।